7.2 देखिए, इन HCl मॉलिक्यूल सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स Yes, see what happens here, that in HCl molecule दो आयन है, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है, इनमें डिस्टेंस गिवेन है. द क्वेश्चन इज फाइंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल. गिवेन क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन एटम एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस. ठीक है, तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहां पे, ठीक है, मास ऑफ क्लोरीन एटम 35.5 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, मास ऑफ क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं, हमने सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. लेट अस से सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम फर्स्ट आयन, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा r माइनस x. तो अगर हम ओरिजिन पे ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास को ले लेते हैं, आप इधर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये 0 0 हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0, अगर हमने इसको ओरिजिन पे ले लिए, अगर हमने इसको ओरिजिन पे ले लिए, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r माइनस x 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस x एंड 0, ये हो गए. अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट का, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ओवर एम वन प्लस एक्स एम टू. तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, पुट द वैल्यूज, एम वन को हमने एम वन लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस आयन का मास जो है, एक्स वन क्या है इसका, ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वन है माइनस एक्स, और m2 है 35.5 टाइम्स m1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r माइनस x. तो m प्लस 35.5 टाइम्स m, ये हो गया आपका इक्वेशन, ये बन गई. वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज, तो नीचे वो तो उधर जाके 0 हो गया, तो आपके पास आ गया m1 x इज 35.5 m1 r minus x. अब r कितना दिया हुआ है, 1.27, पर पहले पहले हमने इसको पुट नहीं किया, क्योंकि अगर हम 0.5 है, अच्छा ठीक है, हमने क्यों पहले r को 1.27 पहले क्यों नहीं पुट कर दिया, क्योंकि हम पहले सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें, एंड में जाके उसको पुट करो, नहीं तो पहले ही डिफिकल्ट हो जाता है. एंगस्ट्रॉम में था आपका आंसर भी, एंगस्ट्रॉम में आ गया, सो यू विल गेट योर एक्स इन एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एच प्लस आयन. सी द लॉजिक, इस तरह से भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास वाले. तो फॉर्मूला हमेशा हमने यही लगाना है,
पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास आपको पता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, 7.3. अ चाइल्ड सिट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद अ स्पीड वी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर. इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम. तो इसमें क्या है कि एक चाइल्ड है जो ट्रॉली के ऊपर भाग रहा है, जो ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट होगा स्पीड पे अगर चाइल्ड उठ के भागना शुरू कर दे, मतलब तो क्या उसके रन करने से उस पर कोई इफेक्ट होगा. इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, रनिंग ऑफ द चाइल्ड इज एन इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्सेज कैन नॉट अफेक्ट द मोशन. I gave you example also when we did Newton's third law. कि suppose you are sitting inside a car. कई बार बच्चे लॉक हो जाते हैं कार के अंदर, तो क्या वो उसको अंदर से धक्के मारें जितने मर्जी कार मूव कर जाती है? नहीं ना करती, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेज हैं जो वो पुश कर रहा है कार को, सीलिंग को, तो वो इंटरनल फोर्सेज हैं, उससे मोशन नहीं होगी. बट अगर बाहर से आप कार को ड्रैग करते हो तो आप इजिली उसको पुश कर सकते हो, वो एक्सटर्नल फोर्स है जो मोशन को चेंज कर सकते हो. तो आप यहाँ पे यही बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास इट्स स्पीड विल रिमेन इनवेरिएंट, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि रनिंग ऑफ चाइल्ड ऑन द ट्रॉली इज एन इंटरनल फोर्स, सो इट कांट अफेक्ट द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. हमने सेंटर ऑफ मास की पूरी स्पीड को डिस्कस किया है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम के ऊपर तो इसकी मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है अदिति, 7.4 ये बस फॉर्मूला ही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेन्ड बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज हाफ द मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी. ये एक रिजल्ट है कि अगर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है तो इसको हाफ ए क्रॉस बी लिख सकते हो. क्रॉस प्रोडक्ट से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ए क्रॉस बी. पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल लो तो वो आपको क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट ट्राइंगल होता है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. ये फॉर्मूले नोट कर लो आप, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है. तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, एरिया आ जाएगा. ऐसे ही स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है आगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 7.5. ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्म्ड बाय थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी. अगर आपको थ्री वेक्टर दिए हैं जो तीन साइड्स बना रहे हैं एक पैरेलल पाइप की, क्यूबॉइडल टाइप होता है पैरेलल पाइप, तो उसका जो एरिया है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकलेगा. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताया था मैंने आपको, तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लो. Area of a parallel pipe दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है फिर उसके साथ डॉट है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना. तो वेक्टर्स वाला पार्ट भी इसमें आ रहा है रोटेशनल. जो टॉर्क के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे ना वो इन्होंने इसमें दिए हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले. हमने टॉर्क का एग्जांपल लिया था ना, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ,
या एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस टी, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में कर लिया था, इन्होंने इस यूनिट में कवर किया उसको। तो ये नोट कर लो, इसके सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जैसे कि वर्क का था ना डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले न्यूमेरिकल हैं जिसमें आप वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, याद है आपको, डिटर्मिनेंट बनाते हो फिर सॉल्व करते हो। प्रूफ रहने दो, प्रूफ रहने दो। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7.8 पे, इस मेथड के ही बहुत सारे क्वेश्चन है। 7.8 लेट मी ड्रॉ दिस। एक रॉड है सस्पेंडेड है दो स्ट्रिंग्स के साथ, ये इसका वेट है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डी डिस्टेंस पे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ 2 माइनस डी, 36.9 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53.1 डिग्री। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कौन बताएगा, क्या था, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, पॉइंट वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, लाइक आई गेव यू एग्जांपल ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक सिंगल मॉनिटर पूरी क्लास को जैसे कंट्रोल करता है, ऐसी सेंटर ऑफ मास प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है पूरी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में सिर्फ यही डिफरेंस है, मार्क वैसे ही करेंगे, जहां जहां सेंटर ऑफ मास था ना सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, बस ये डिफरेंस ये है, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर होल ऑफ द वेट एक्ट्स, ये वो पॉइंट है जहां से हमारा वेट एक्ट करता है, इट इज द पॉइंट वेयर होल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन द बॉडी। हम ये डायग्राम बनाते रहे ना, सेंटर से हम ये वेट इंडिकेट करते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये वाला पॉइंट जहां से हम शो करते हैं कि वेट एक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अदरवाइज मार्किंग सेम ही, जहां जहां पे सेंटर ऑफ मास था वहां वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आप डेफिनेशन लिख लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट where whole of the gravitational force of earth, where whole of the gravitational force of earth acts on the object, where whole of the gravitational force of earth acts on the object. तो यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है, निकालना क्या है स्मॉल डी डिस्टेंस निकालना। तो सपोज कर लो कि टेंशन थ्रेड पे एक्ट कर रही है टी वन, ये अलग थ्रेड है तो टेंशन भी डिफरेंट है, तो वेट की वजह से टेंशन एक्ट कर रही है थ्रेड में, इनको रिजोल्व कर लेते हैं दो पार्ट्स में, अगर ये एंगल इतना है तो ये भी इतना ही 36.9 डिग्री, सो दिस कॉम्पोनेंट इज T1 cos 36.9 degree and this component is T1 sin 36.9 degree. Again resolve T2 also, ye 53.1 hai, so this is also 53.1 degree. So this is T2 cos 53.1 degree, this is T2 sin 53.1 degree. रिजॉल्व कर दिया, तो वेट को वो बैलेंस करेंगे, तो एक इक्वेशन आपकी बनी
ये तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है। ये अगर जरूरत है तो लिख लो, एक तो ये हो गया आपका कि ये दोनों बैलेंस कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रॉड रेस्ट पे है इक्विलिब्रियम में। अब ये जो अपवर्ड टोटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, T1 cos 36.9 डिग्री प्लस T2 cos 53.1 डिग्री इज इक्वल टू वेट। अब इन दोनों से तो सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा T1 T2 निकालना तो हमने D है, यहां से T1 T2 आ जाएंगे दो इक्वेशन। अब देखो कि हमें D निकालने के लिए वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन सिंपल लैंग्वेज। दिस फोर्स मतलब अबाउट वेट ले रहे हैं, अबाउट दिस पॉइंट ले रहे हैं, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ लीवर जैसे मर्जी कह लो आप, लोड इनटू लोड आर्म इज एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, व्हाटएवर। तो लिखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करेंगे, तो कई क्वेश्चन तो इसी पे ही बेस्ड है। T1 cos 36.9 degree into D is T2 cos 53.1 degree into 2 minus D. ठीक है, तो वेट वगैरह की जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहिए आपको। और एक चीज और देखो, cos 36.9 degree को आप ये भी लिख सकते हो 90 माइनस 53.1 डिग्री, ये हिंट है, मतलब आपको शायद टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा लो तो ये कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख के फिर साइन ओवर कॉस का टैन हो जाएगा, कुछ सॉल्व हो जाएगा आपको। तो इसको आपने आप सॉल्व करके स्मॉल डी निकाल, पहले इन दोनों से T1 T2 आ जाएंगे इफ यू वांट, उसके बाद आपने यहाँ पुट कर देने हैं तो डी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 9 भी, 7.9 देखो, कर दूर अब। अ कार वेज 1800 किलोग्राम, एक कार है दैट वेज 1800 केजी, तो वेट कितना हुआ? हाँ, अब अच्छा चलो, अब है डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअली वो बनाने भी पड़ने थे क्योंकि उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एक्सल्स इज 1.8 मीटर। आपको पता ना ऐसे एक व्हील उधर भी लगा होता है, एक एक्सल ये फ्रंट बैक वो है, तो इनमें बीच में डिस्टेंस है 1.8 मीटर। अब है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल के 1.05 मतलब 1.8 में से 1.05 तो यही हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, मतलब कि वेट यहां से लाई कर रहा है। ये जो हमने 1800 बनाया ना, ये यहां से बनाएंगे, ये 1.05, तो बाकी का कितना बचा 1.8 माइनस 1.05 0.75 मीटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे, वहां से अब हम वेट दिखाएंगे 18,000 न्यूटन, मैंने जी को 10 ले लिया, गॉट दिस? नहीं समझ लगा तो पूछ लो, यहां ले लिया आप घर पे 9.8 ही लेना। Determine the force exerted by level ground on each front wheel and back wheel. चलिए, अब हमने क्या निकालना है? Force exerted by level ground on front wheel and back wheel, मतलब reaction. जो force ground exert कर रही है first wheel पे और back wheel. फ्रंट व्हील और बैक व्हील पे जो फोर्स लगा रही है वो निकाल, R1 R2 निकाल।
तो इसमें भी वैसे इक्वेशंस बनेंगी सेम वे. एक तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे अबाउट वेट, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस इज दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, और एक अपवर्ड टोटल फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट. दो इक्वेशन बनेंगी आपने आर वन आर टू निकाल, ठीक है. तो कई क्वेश्चन तो इसी के ऊपर बेस्ड. दो इक्वेशन इसको सॉल्व करो, ठीक है. वो केजी था ना, यहाँ आर वन आर टू हमारे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होते हैं ना, तो इक्वल टू वेट आएगा. वेट कितना है, एमजी. तो मैंने कहा तो मैंने जी टेन ली है, मल्टीप्लाई किया ना मैंने 10 से, तो 1800 का 18000 हो गया. अब आपने क्या करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है 7.17, नोट करिए. 7.17 में भी प्रिंसिपल ऑफ लिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा. टेक इट टू बी होम असाइनमेंट, ये आपने खुद करके लाना है. 7.17 चलिए लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10. यस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. फाइंड ए पार्ट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर. गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 2/5 mr². ये पता है, कल मैंने आपको बताया था सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है, अबाउट डायमीटर होता है. आपको अबाउट टेंजेंट निकालना, ठीक है. अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर वी आर टू सॉल्व. तो देखिए कैसे यहाँ पे थ्योरम लगेगी. अब थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको वैसे रफली बता देती हूँ कि न्यूमेरिकल में आप कम से कम कर सको, ठीक है. एक सॉलिड स्फीयर है, आपको इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 mr². आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, टेंजेंट टू द स्फीयर. लेट अस कॉल दैट टेंजेंट ए बी. आपको इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना. तो जब हमारी गिवन जो एक्सिस होती है जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है, इफ इट इज पैरेलल टू गिवन एक्सिस, तो हम लगाते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. सेंटर में से तो डायमीटर ही पास कर रहा है ना, तो आप इसको आईडी लिख सकते हो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो ये याद रखिए कौन सी थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. इट इज द मतलब पहले तो पैरेलल होनी चाहिए तब एप्लीकेबल. तो फिर उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो डायमीटर यस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. तो पुट कर देते हैं आईडी इसमें. कितना आ गया आंसर, सेवन बाय फाइव आ गया. सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट. तो अगर एक के अबाउट दिया दूसरा आप निकाल सकते. इसका बी पार्ट भी है, दिस वॉज ए पार्ट, बी पार्ट. अब है गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क of mass m radius r about any of the diameters. अब suppose कर लो ये disc है. अब उन्होंने कहा disc के about इसका moment of inertia है 1/4 mr². Find moment of inertia about an axis
normal to the disk and passing through a point on its edge. तो इसके एज में से एक पॉइंट में से पास करे टेंजेंट और इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्लेन के. किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज. तो वहां पे हो. यहाँ पे दूसरी थ्योरम लगेगी. चलो करते हैं कंटिन्यू. ठीक है, continue,